इंडिया कहाँ जा रहा है? लोग हंस रहे हम पे बाहर, हिंदुस्तान में गाय के नाम पे लोगों को मार दिया जा रहा है, जैसी नाम के नाम पे लोगों को मार दिया जा रहा है, क्या हो रहा है? मॉब लिंचिंग शुड स्टॉप, इस पे एक स्पेशल कानून आना चाहिए ऑन द स्पॉट। और मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मेरे हमारे अमित शाह जी, आज मैं आपको दिल से थैंक यू बोलता हूं, क्योंकि 20 साल पहले सत्ता में कांग्रेस थी, कांग्रेस ने उनको टेररिस्ट बना के अंदर डाला था, बीजेपी वालों ने उन्हें छोड़ा है। ऐसा सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, कांग्रेस करेंगे कि आपको बेल फाइनली मिल गया, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे दौरान, किस तरह की कौन कौन सी चीजें आपने फेस की? फेस करता है आदमी यार, जब हाँ। तुम्हें पता है कि तुमने संविधान में तुम्हारा एक हक है आवाज उठाने का, बोलने का, तुम जो चाहे वो बोल सकते हो, किसी के लिए आवाज उठा सकते हो, और अगर उसी चीज के लिए तुम्हें जेल ले जाया जाए तो तुम्हें एक अजीब सा फील होता है। तुम्हारे घर वाले हैं, आई लाइक माई वाइफ, माई सन, एवरीबडी वॉज क्राइंग, माई फैमिली वॉज क्राइंग, आई वॉज इन साइड फॉर 4 days, तो दिल दुखता है, बुरा लगता है, लेकिन फिर मैं तो पंचिंग बैग हूँ, मेरे साथ तो ये चौथी बार हो चुका है, तो इट्स ओके। अच्छा, ऐसा उस वक्त ऐसा लगा था कि जो बातें आपने की थी शायद उस तरह से आपको नहीं रखनी चाहिए थी जिस तरह से आपने रखी थी, तो ये सारी चीजों पे ऐसा कुछ लगा था आपको जब ये सारी चीजें आपके साथ हुई? नहीं, मैंने कोई भी गलत बात नहीं बोली है, मुझे नहीं लगता मैंने कोई भी गलत बात बोली है। आप देखिए कि अगर किसी भी कम्युनिटी पे कुछ होता है तो मैं बोलता हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम के लिए आवाज नहीं उठाई। जोमैटो में क्या मुस्लिम काम करते हैं सब? जोमैटो, उसके पैसे मैंने दिलवाए लड़के, उसके लिए भी पुलिस आई थी मेरे पास। तो जोमैटो में सिर्फ मुसलमान काम नहीं करते, फूड पांडा में सिर्फ मुसलमान काम नहीं करते, अंबानी के बाहर जो मैंने इलाज करवाए वो सब मुसलमान नहीं थे, पर यहाँ श्री राम बोल बोल के मुसलमान को मारा जा रहा था। मैंने सिर्फ एक तबके के लोगों को कहा कि आपको इसके लिए इंसाफ मांगना चाहिए, क्योंकि इसका नंबर 50वां हो चुका है अभी, पहलू खान, वो खान, ये खान, इतने लोगों को, दिस इज रॉन्ग। इसमें मैं नहीं, अभी आप देखिए 50 लोगों ने मॉब लिंचिंग पे आवाज उठाई है इंडस्ट्री के, बॉलीवुड। मेरा तरीका थोड़ा एग्रेसिव है, लेकिन मैंने किसी को मारने की या काटने की बात नहीं की उसमें, या कोई ऐसी बात नहीं की जिससे किसी के धर्म को ठेस पहुंचे। मैंने सिर्फ ये कहा कि जो लोग राम का नाम लेके मॉब लिंचिंग करते हैं उनके लिए बोला है, तो अगर उनके लिए किसी को बुरा लग रहा है तो दैट्स रॉन्ग। अच्छा, ऐसा सब जब अंदर थे वहीं पे आपका एक और वीडियो फैजू के साथ वायरल हो रहा था, जो बहुत काफी पुराना वीडियो था पुलिस को लेकर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये पॉलिटिक्स है, आप जानती है मेरे हाँ। साथ क्या हुआ, मीडिया से कुछ छुपा नहीं है। आप ये देखिए, अल्लाह के बंदे, ये इसमें आप देखिए, मैं कोई हिंदू मुसलमान नहीं, ये सब मैं, मेरा 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 मकसद ही है, मेरा मकसद ही है कि मेरे पास एक आवाज है जो पहुंच रही है, तो मैं वो सही जगह पे पहुंचाऊं। लेकिन जो संघी है, आईटी चलाते हैं, वो संगी नहीं चाहते कि आवाज, तो उन्होंने मेरी एक इमेज बना दी कि मुझे हिंदुओं से नफरत है, बल्कि मेरे पास 10-12 हिंदू काम करते हैं, मेरे घर में जो खाना बनाती है सीमा वो हिंदू है, कमला जो मेरी बचपन से मेरे को बड़ा किया वो भी हिंदू है, तो मेरी ऐसी सोच है ही नहीं, मैं सिर्फ अन्याय के खिलाफ हूँ। अच्छा, अगर मैं आगे की बात करूँ तो और आगे कितनी लंबी लड़ाई होने वाली है, इस लड़ाई को यही खत्म कर देंगे? देखो, जीवन में कभी डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं, हिम्मत वाले को मरना नहीं, जीना है तो प्यारे तो लड़ना जिंदगी से, पीछे कदम कभी धरना नहीं। और अगर मैं पीछे कर लूंगा तो ये जो हिंदुस्तान की यंग जनरेशन है उनकी भी आवाज बंद हो जाएगी, फिर तो ऐसा होगा कि तुम कुछ बोल ही नहीं सकते हो, किसी का रेप हुआ तो आवाज मत उठाओ, किसी का संविधान में सबका हक है आवाज उठाना, बाबा साहेब अम्बेडकर ने वो संविधान बनाया जिसको नेहरू जी ने ओके किया। देखिए, मुझे किसी ने फंसाने की कोशिश की, इसमें पुलिस का भी कुछ नहीं है और ना इसमें अदालत का कुछ है। देखो, ये दोनों मोहरे होते हैं, ये पॉलिटिशियन लोग क्या किया, मेरे पे कंप्लेन किया, कंप्लेन करके पुलिस को फोर्स किया कि कंप्लेन हुआ है तुम एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो, पुलिस इस पे एक्शन नहीं ले रही थी, उनको पता था कि एवरीबॉडी इज मेकिंग वीडियो। तो 5 लोगों की पहले बेल रिजेक्ट हुई, उसके बाद वो 07 की बेल रिजेक्ट हुई, सेम सेक्शन उन्होंने मेरे पे लगाया और पुराना वीडियो उठा के कि आप लोगों की ये मजाक उड़ा रहा है, एक आदमी फरार है फैसू, तो उसका वो लेके उन्होंने ये वीडियो पुराना निकाला और बोले कि ये देखो, ये एजाज खान पुलिस को चैलेंज कर रहा है, क्या वारंट लाया है, क्या गवाह है क्या तेरे पास, और एक आदमी का बेल नहीं हुआ है।
पुलिस को भी उलझा दिया, बाद में अदालत के सामने सब सबूत आ गया ना। तो इसीलिए संविधान में जब अदालत में तुम खड़े होते हो तो तब फैक्ट बात करते हैं, वहां पे किसी की नहीं चलती। और वो फैक्ट में जज साहब ने देखा कि मेरी लॉयर, सबसे पहले उसको थैंक्स कहूंगा मैं, नाज़नीन खत्री, जिसने अगेन वुमन पावर, जो शेरनी की तरह मेरी बहन मेरे लिए लड़ी और उसने प्रूफ किया कि दिस इज फ्रेम, तो इट्स ओके। ये चौथी बार फ्रेम किया गया, मुझे पहली बार तो है नहीं। अच्छा, आपको जहाँ बेल मिली उसी के नेक्स्ट डे फैजू की टीम 07 को भी बेल मिली, तो उसके बाद आपकी उनसे कोई बात हुई है? हाँ, किसी तरह का से बात हुई, बात हुई। फैजू से बात नहीं हो पाई क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही घबराया हुआ है। लोग मुझसे ये भी पूछ रहे कि आपने उनके लिए आवाज उठाई, आप उनके लिए जेल गए, वो लोग ने तो आपके लिए ना ट्वीट किया ना। मैंने कहा ये सब मैंने इसीलिए आवाज नहीं उठाई थी कि कोई मेरे लिए, आई एम अ वन मैन आर्मी यू नो, तो ये बच्चे हैं, डर गए थे, तो अगर वो फिर आवाज उठाते तो फिर उनपे प्रॉब्लम आ जाती। तो इस चीज को मैं पॉजिटिवली लूंगा, मैं नेगेटिवली नहीं लूंगा कि यार अरे इन्होंने क्यों ट्वीट नहीं किया या वो नहीं किया, ये नहीं किया। दे आर किड्स मैन, लेट देम एंजॉय देयर लाइफ, यू नो दे'ल बी स्टक इफ दिस पीपल विल यू नो टारगेट देम अगेन। अभी तो उनका बेचारों का वो बैन किया है, फिर इंस्टा बैन कर देंगे, फिर यूट्यूब बैन कर देंगे और नथिंग विल हैपन। सो It's better, you know, they stay away from me, you know. अब तो मैं खुद उनसे कहूंगा कि मुझसे दूर रहो यार, because मैं टारगेट पे हूँ। अच्छा, हिंदुस्तान ने देख लिया। अच्छा, एजाज जैसा आप बोल रहे हैं कि वो आपसे दूर रहे या वो आप दूर रहे, पर कहीं ना कहीं एडवाइस की अगर मैं बात करूं एजाज, तो इस तरह का जिस इस वीडियो को लेके जो इतना बड़ा बवाल हुआ, तो अब जैसे आपने भी अपनी बात को रखा, बात रखना किसी के लिए गलत नहीं होती, पर अपना एक सलीका होता है बात रखने का, आपने थोड़ी गुस्से में रखा, उन्होंने इस तरह का वीडियो बनाया, तो आगे इन सारी चीजों पर ध्यान दिया जाएगा कि इस तरह का वीडियो ना बनाए, और अपनी बात भी रखना है तो आप बहुत प्यार से भी रख सकते हैं। देखिए, प्यार और एक इमोशन, ये एक दो अलग चीज होती है। और अपना हक मांगना, आप किसी से अपना हक, ऐसे आपके कहीं पैसे निकलते हो, आप उनसे जाए मेरा पैसा दे दीजिए प्लीज, हाँ मेरा, वो आपको देगा या जिस दिन ऐसा क्या मेरा पैसा दे दे तो फिर वो देंगे। और मैंने उनसे कभी नहीं कहा कि ऐसा वीडियो बनाओ, या मैंने उनसे कभी, उन्होंने एक ट्रेंडिंग में वीडियो चल रहा था, वो वीडियो उन्होंने बनाया, तो वही वीडियो कई मिलियन लोगों ने बनाया था। और ऐसे तो फिर फिल्म के एक्टर जो डायलॉग बोलते हैं, फिर उसमें संजय गुप्ता की फिल्म थी वो, सोनू सूद और मनोज बाजपेयी ने वो डायलॉग बोला था, तो मतलब जिनने बनाया, जिसने बोला, सेंसर ने, सेंसर पे पुलिस केस होना चाहिए, सेंसर ने पास कैसे किया डायलॉग। तो बहुत सारे सवाल उठते हैं, पर हम सब हिपोक्रेट, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मैं तो नहीं हूं, एटलीस्ट मैं तो जेल जाके आया, अच्छा फील हो रहा है यू नो कि सच बोल के जेल जाके आया, चार चार बार फ्रेम किया गया, एटलीस्ट माई फैमिली नो यू नो आई डोंट वॉन्ट पीपल। मैंने इनके लिए इसलिए आवाज नहीं उठाई, मैंने बिकॉज ऑफ माई सन आई रेज माई वॉइस। मेरा बेटा मुझसे पूछता है ना, जब तो वो 7-8 साल का हो गया, तो उन लोग फोन पे गेम खेलते रहते, उसमें ऐसा वीडियो उसने देखा, बोले पापा somebody's hitting somebody, पापा दे सेइंग बोलो जय श्री राम, व्हाट इज दिस। अब मैं उसको क्या समझाऊं? तो मैं आने वाले फ्यूचर के लिए कर रहा हूं, कोई करे ना करे मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है। जब इतिहास में लोग बोलेंगे तो, क्योंकि वक्त के साथ सबको पता चल जाता है, जब मैंने पहली बार आवाज उठाई थी लोगों ने, ये पब्लिसिटी के लिए उठाता है, फिर लोगों को वाकई में पता चला कि पब्लिसिटी के लिए कोई जेल नहीं जाता है, फिर वो भगत सिंह जाते हैं, गांधी जी जाते हैं, वो आजाद जाते हैं, वो जेल भरो आंदोलन हुआ था उसमें सच बोलने वालों को जेल कर देते थे, जेल भरो आंदोलन, किसी ने भी सरकार के या किसी के खिलाफ आवाज उठा जेल चले जाओ। लेकिन यहां पे मैंने कुछ गलत बात नहीं कही, और मैंने अगर 07 को सपोर्ट किया, नॉट फॉर एनीथिंग, बट मुझे लगा के गलत हो रहा है उनके साथ। अच्छा, जब आप अंदर थे एजाज जेल में, तो वहीं पे पायल रस्तोगी ने भी आपके खिलाफ एक पायल रोहतगी ने भी आपके खिलाफ एक ये किया था, केस दायर किया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? केस नहीं है, केस नहीं है कुछ भी, वो सिर्फ सब जगह जा जाके वो, और लोग डेली यही कर रही है, वो शाहरुख खान के बारे में कभी कभी, स्वरा भास्कर के बारे में कभी, किसके बारे में कभी, प्रियंका चोपड़ा, क्या ये लोग स्टार बन गए? पायल जी बिचारी बन नहीं पाई, वो स्वरा भास्कर सच अ ग्रेट एक्ट्रेस, आज मतलब शी इज डूइंग सो गुड माशाल्लाह यू नो, मतलब प्रियंका चोपड़ा शादी हुआ है निक जोनस से, हॉलीवुड की फिल्में कर रही है, अब पायल जी ये सपने में भी नहीं सोच रही, देख भी नहीं पा रही है, तो पायल जी को मैंने तो माफ किया, हिंदुस्तान की जनता आप भी इनको माफ कर दो प्लीज, हो सके तो
इन्हें कहो गेट वेल सून पायल जी। अच्छा, कह सकते हैं कि वो भी इस तरह आने, फेम में आने के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरह का बयान दिया। हाँ। नेगेटिविटी में फेम नहीं आता, कहीं ना कहीं मुझे फेम मिला है क्योंकि मेरी बातों से आप लोग भी सहमत हो, वरना आप मेरा इंटरव्यू लेने नहीं आते, आप पायल का इंटरव्यू लेने चले जाते हैं। फिर आपको पता है वायरल ही नहीं होगा, उसको कोई देखेगा ही नहीं, क्योंकि नेगेटिविटी नहीं चलती है, पॉजिटिविटी चलती है। भले आप टाइटल नेगेटिव डालो लेकिन पॉजिटिव आदमी अंदर होना चाहिए। तो ऐसा नहीं, संग्राम सिंह हिंदुस्तान का मेरा दोस्त, इतना बड़ा पहलवान है, इतना पॉजिटिव आदमी है, इतना पॉजिटिव आदमी है। अब वो मेरी दोस्ती उससे खराब हो गई, खैर संग्राम समझाता होगा उसको, वो समझ जाएगी थोड़े दिन। अच्छा, लास्टली जाते थे एजाज, अपने फैंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनके लिए बहुत बड़ी बात थी आपका बाहर निकलना? यार मैं आप लोगों का कर्जदार हूँ, आप लोगों का मैं एहसान मंद हूँ, और आपके प्यार का, आपके सपोर्ट का, नहीं सिर्फ मुस्लिम लोगों को यह गलत फहमी है कि मुझे सिर्फ मुसलमान प्यार करते हैं, कसम खुदा की मुझे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब प्यार करते हैं, दे लव मी अ लॉट, बिकॉज आप लोग मेरे लिए भाग नहीं आए, मुझे नहीं चाहिए था, लेकिन आपने जो ये हाथ चलाए ना, आपने 3 दिन मुझे ट्रेंडिंग में रखा आपकी दुआओं से, कि सच तो सच है, वो मैं ट्रेंडिंग में नहीं था, वो सच था ट्रेंडिंग में। आप लोग 07 के लिए भी आवाज उठा रहे हो, वेरी गुड, यू डूइंग गुड थिंग, क्योंकि अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे ना, तो फिर हमारे देश को जो आजाद कराया भगत सिंह, गांधी जी, चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने मिलके, अशफाक उल्ला खान सब ने मिलके, वो अभी वो हरे और नीले में बांटने की कोशिश की जा रही है। वो हिंदुस्तान में जॉब नहीं है यार लोगों के पास, फूड पांडा के लोग मेरे पास आते हैं, 500-500 लड़के, आपको वीडियो है, लाइव वीडियो बनाता हूं मैं इस चीज के, जोमैटो के इतने सारे लड़के, MBA करे हुए लड़के लोगों के पार्सल लेके जा रहे हैं, इंडिया कहां जा रहा है, लोग हंस रहे हैं हम पे बाहर, हिंदुस्तान में गाय के नाम पे लोगों को मार दिया जा रहा है, जय श्री राम के नाम पे लोगों को मार दिया जा रहा है, क्या हो रहा है? मॉब लिंचिंग शुड स्टॉप, इस पे एक स्पेशल कानून आना चाहिए ऑन द स्पॉट। और मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मेरे हमारे अमित शाह जी, आज मैं आपको दिल से थैंक यू बोलता हूं, क्योंकि सच तो सच है, और मैं मुसलमानों से यह कह दूं कि आप लोग जो ये जो टेररिस्ट वाले जो वीडियो चल रहे हैं कि जिनको टेररिस्ट बना के अंदर डाल दिया गया था और वो छूटे, आप उनका इंसाफ नरेंद्र मोदी जी से मत मांगिए, क्योंकि 20 साल पहले सत्ता में कांग्रेस थी, कांग्रेस ने उनको टेररिस्ट बना के अंदर डाला था, बीजेपी वालों ने उन्हें छोड़ा है, तो जो सच है वो है, ये बात के लिए इनको थैंक यू भी बोलना जरूरी है। और 23 साल के बाद ये लोग छूटे अपने घर से, देखो राजस्थान से लोग छूटे, बड़ौदा से छूटे, कश्मीर से छूटे, बहुत जगह अहमदाबाद से छूटे, तो ये जो इनको जिनको अंदर डाल दिया गया था कि ये टेररिस्ट है, उनको बेगुनाह किसने छोड़ा? बीजेपी गवर्नमेंट ने छोड़ा। देखो क्रिटिसाइज करो लेकिन सही चीजों पे करो, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। तो अगर ये काम इन्होंने किया है तो इसके लिए इनको थैंक यू भी बोलना चाहिए। और वो फालतू के वायरल मैसेज मत चलाओ जिसमें आप मोदी और अमित शाह से सवाल कर रहे हो कि ये 23 साल के बाद जो छूटे, 20 साल पहले किसकी सत्ता थी, थोड़ा दिमाग भी लगाओ यारो, ये सोशल मीडिया के चक्कर में फंसो मत, जो आया देखा आगे कर दिया, जो आया दो दो पांच पांच साल पुराने वीडियो, सोशल मीडिया और यह व्हाट्सएप दुनिया में जहर घोल रहा है मेरे भाई, ये मुझे तब पता चला जब मेरा बेटा मुझे सवाल करने लगा, सब एक पिलर है यार, तो इसका ध्यान दो प्लीज, दुआओं में याद रखना, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू एजाज।